हेलो दोस्तों, एक बार फिर आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल पर। आज हम जानेंगे पानी के एक ऐसे जीव के बारे में जिसने 200 मिलियन से भी अधिक सालों से अपना अस्तित्व बचाए रखकर सबको आश्चर्यचकित किया है। मोटी चमड़े वाले इस रेप्टाइल में सामान्यतः इसकी प्रजातियों को लेकर लोगों में हमेशा ही भ्रम का माहौल रहा है। दुनिया भर में क्रोकोडाइल्स की 24 प्रजातियां हैं, जिनमें से मगर क्रोकोडाइल, सॉल्ट वाटर क्रोकोडाइल और घड़ियाल, ये केवल 3 प्रजातियां ही भारत में पाई जाती हैं। पानी का ये बेहतरीन शिकारी मौजूदा समय में सबसे बड़ा जीवित रेप्टाइल है। छोटी मछलियों, कछुओं तथा अन्य जलीय जीवों को अपना शिकार बनाने वाला ये माहिर शिकारी नदियों, झीलों और दलदली क्षेत्रों में पाया जाता है। तो आइए सबसे पहले जान लेते हैं इस क्रोकोडाइल परिवार में सदस्यों का विभाजन किस प्रकार से होता है। 24 प्रजातियों में से 8 प्रजातियां एलिगेटर्स की हैं, 14 प्रजातियां ट्रू क्रोकोडाइल्स की हैं और 2 प्रजातियां घड़ियाल की पूरे विश्व में पाई जाती हैं। एलिगेटर्स की कोई भी प्रजाति भारत में नहीं पाई जाती है। ठंडे रक्त वाले ये जीव अपनी जबरदस्त ताकत के लिए भी जाने जाते हैं। खारे पानी में पाए जाने वाले क्रोकोडाइल्स के जबड़े में 16,000 न्यूटन की पावर होती है, जो एक वयस्क शेर और चीते की क्षमता 4,500 न्यूटन से लगभग 4 गुना अधिक है। भारत में पाए जाने वाले क्रोकोडाइल्स में मगर क्रोकोडाइल पूरे भारत में पाए जाने वाले क्रोकोडाइल्स में सबसे अधिक हैं। ये मीडियम साइज के क्रोकोडाइल्स अन्नामलाई टाइगर रिजर्व, अमरावती नदी के साफ पानी में पाए जाते हैं। सामान्यतः मगर 3 मीटर तक होते हैं, लेकिन इनकी लंबाई कभी कभार 5 मीटर तक हो सकती है। पानी में अच्छे तैराक होते हैं, लगभग 9 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से तैर सकते हैं। वहीं इनके वजन की बात करें तो एक वयस्क का वजन लगभग 200 किलो तक हो सकता है। बड़े वयस्क मगर क्रोकोडाइल कभी कभार वन्य जीव जेब्रा और सांबर जैसे जीवों का भी शिकार कर जाते हैं। ठंडे रक्त के जीव होने की वजह से अधिक ठंड व गर्म होने की स्थिति में रेत के नीचे खुदाई कर गड्ढों में चले जाते हैं। शरीर का तापमान नियंत्रित करने के लिए पानी की सतह में और गहराई में चले जाना भी एक सामान्य लक्षण इसमें दिखा गया है। मादा क्रोकोडाइल नेस्टिंग साइट में 40 से 50 अंडे एक बार में देती है। नए पैदे होने वाले इन बेबी क्रोकोडाइल का लिंग इस बात पर निर्भर करता है कि इंक्यूबेशन पीरियड में उसको कितना तापमान मिला है। सामान्यतः इनकी औसत आयु 30 से 50 साल तक हो सकती है। IUCN की सूची में ये जीव वल्नरेबल कैटेगरी में आता है। खारे पानी में पाए जाने वाले क्रोकोडाइल भारत में पाए जाने वाले क्रोकोडाइल की दूसरी प्रजाति है। ये सामान्यतः मगर से शारीरिक रूप से बड़े होते हैं। ये दुनिया के सबसे बड़े जीवित रेप्टाइलों में से एक हैं। भारत में ये जीव भिटारकनिका नेशनल पार्क उड़ीसा और सुंदरबन नेशनल पार्क के दलदली क्षेत्रों में पाए जाते हैं। घड़ियाल भारत में पाए जाने वाले क्रोकोडाइल की तीसरी प्रजाति है। कभी भारत, नेपाल, पाकिस्तान, बांग्लादेश जैसे देशों में बहुत अधिक संख्या में पाए जाने वाले ये जीव आज केवल भारत और नेपाल में ही सीमित हैं। भारत में ये केवल चंबल, यमुना, गंगा, कोशी, गंडक और काली नदी में ही पाए जाते हैं। इनकी सबसे अधिक संख्या चंबल क्षेत्र में है, जहां विश्व की 80% घड़ियाल पाए जाते हैं। IUCN की क्रिटिकली इंडेंजर कैटेगरी में आने वाले ये जीव आज विलुप्त की कगार पर हैं। तो आइए हम जानते हैं कुछ ऐसे तथ्य जो इस बेहद दुर्लभ जीव को क्रोकोडाइल से अलग बनाता है। मगर क्रोकोडाइल, सॉल्ट वाटर क्रोकोडाइल, जिनका जबड़ा चौड़ा और अधिक ताकतवर होता है, बड़े जानवरों का शिकार भी आसानी से कर लेते हैं। वहीं हम बात करें घड़ियाल की, तो इसका थूथन काफी लंबा और पाइपनुमा होता है, जो केवल छोटी मछलियों का ही शिकार करने की क्षमता रखता है। घड़ियाल के थूथन में एक घड़ीनुमा संरचना पाई जाती है, जिसके कारण ही इसका नाम घड़ियाल पड़ा हुआ है। यह संरचना मगर क्रोकोडाइल और सॉल्ट वाटर क्रोकोडाइल में नहीं पाई जाती है।
हाल ही के सालों में हुई सैंड माइनिंग की वजह से इनकी नेस्टिंग साइट में काफी कमी आई है। शारीरिक अंगों के लिए इसका शिकार और अंडे का खाने के लिए इस्तेमाल इस प्रजाति को विलुप्त की कगार पर पहुंचाने के लिए जिम्मेदार है। हम उम्मीद करते हैं करोड़ों सालों से अपना अस्तित्व बचाए रखने वाला यह जीव आगे भी अपना अस्तित्व बचाए रखेगा। आगे भी इसी तरह की जानकारियां आपके लिए हम लेके आएंगे, इसलिए हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। अगर आपको यह जानकारी पसंद आती है तो प्लीज इसे लाइक और शेयर कीजिए।